हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से लॉकडाउन पर बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, इसको हल्की लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आप एक हॉरिजेंटल, बीच से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम मार्कर का यूज करेंगे दोस्तों। देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करना है, बहुत ही आसान तरीका है। सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, फिर यहाँ पे भी हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर अंदर की तरफ हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर हाफ सर्कल बाहर की तरफ आपको बनाना होगा, फिर अंदर की तरफ कर दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। यहाँ पर अंदर की तरफ करते हुए इसको हम यहाँ पर हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अंदर की तरफ करने के बाद इधर से भी आपको अंदर की तरफ करना होगा, फिर इसको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इसको हमें बाहर की तरफ ले जाना होगा, बहुत ज़्यादा बाहर मत ले जाइएगा। फिर अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से आपको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ पे हम इंडिया का मैप पहले बनाएंगे, मैप बनाने के बाद इसके अंदर आपको हम ड्राइंग बना के दिखाएंगे दोस्तों। पहले आपको इंडिया का मैप बनाना सीख लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब आपको इसको हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पे ऐसे बनाइएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर आपको इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल भी करना होगा। डबल करते हुए इसको आगे की तरफ यहाँ पे हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर नीचे की तरफ आप ऐसे अंदर बाहर करते हुए इसको नीचे के साइड में यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हल्का सा हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर इसको आप ऊपर की तरफ यहाँ पे छोड़ देंगे। ऊपर की तरफ छोड़ने के बाद यहाँ पे छोटा सा हाफ सर्कल, फिर आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर अंदर की तरफ, फिर इसको यहाँ पे आप ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, फिर नीचे की तरफ करिएगा, फिर ऊपर की तरफ करिए। देखिए कितना आसान है दोस्तों, फिर अंदर की तरफ करिए, यहाँ पे आप लाकर छोड़ दीजिएगा, इसको हल्का सा यहाँ पे करिए, फिर लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ से आप ऐसे नीचे के साइड में मिला दीजिएगा। ये हमारा इंडिया का मैप बन के तैयार हो गया। मैप बनाने के बाद अब आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर आपको पहले एक ऐसे हाफ सर्किल बनाना होगा, इस साइड एक हाफ सर्किल आप इधर ऐसे बना दीजिएगा, और बीच में जो है हमने ये पेंसिल की हेल्प से लाइन ड्रॉ किया है उसको आप इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद अब आपको यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करना है, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इधर भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको एक छोटा सा पॉइंट इधर बनाना होगा, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट यहाँ पर बना दीजिए, एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर बना देंगे। पॉइंट बनाने के बाद अब आपको इधर से एक डबल लाइन ड्रॉ करना होगा, इधर भी आप ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम इंडिया को मास्क पहना रहे हैं दोस्तों। देखिए ये हो गया हमारा मास्क पहनाने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आई बना देंगे। एक आई इधर बनाइएगा, एक आई हम यहाँ पे बहुत ही सावधानीपूर्वक आई बना देंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलाइए, फिर एक सर्किल बनाइएगा, एक सर्किल यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे। सर्किल बनाने के बाद ऊपर की तरफ आईब्रो बना दीजिए, यहाँ पे भी आप ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। आईब्रो बनाने के बाद छोटे छोटे यहाँ पे हम ये आंसुओं के ड्रॉप्स बना देंगे, इसको आप मार्कर या पेंसिल की हेल्प से या कलर की हेल्प से आप इसको कलर कर दीजिएगा। कलर करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऐसे सर्किल बनाना होगा और छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर भी आप ऐसे सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको इस साइड ऐसे ऊपर की तरफ करना होगा, फिर नीचे की तरफ करते हुए इधर मिलाइएगा। इसको भी बहुत ही सावधानीपूर्वक हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद एक लाइन आगे की तरफ इधर बढ़ाइए, एक लाइन आप इधर की तरफ बढ़ा दीजिएगा, बीच में छोटी छोटी लाइनें बहुत ही सावधानीपूर्वक ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से लॉकडाउन पर बहुत ही खूबसूरत से चित्र बनकर तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।